गृह मंत्री अमित शाह के होने वाले जनसभा को लेकर जदयू प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि यह जुमलेबाजों की सरकार है। हमारे छोटे किसान हो, खेत मजदूर हो, छोटे दुकानदार हो, सबको 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित पेंशन मिले, इसका इंतजाम भी हम करने वाले। वादों का पक्का है, बस सही। हमने संकल्प लिया है कि 2022 तक हर गरीब के पास अपना पक्का घर हो। शनिवार को माड़ीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में जदयू पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी पर हमला बोला है। नीरज कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह भाषण देने आ रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि जिस पताही एयरपोर्ट के मैदान पर वह भाषण देंगे वह कब तक बनेगा? पीएम मोदी का किया हुआ वादा कब पूरा होगा? इस दौरान सभागार में प्रोजेक्टर के माध्यम से 2019 में पताही हवाई अड्डे पर दिए गए पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण को भी प्रसारित किया गया। जेडीयू पार्टी मीडिया और जनता को यह बताना चाह रही थी कि पीएम मोदी का किया हुआ वादा एक जुमला है। साथ ही मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करते हुए कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट का क्या हुआ, वह क्यों नहीं बन पाया, पूर्णिया के जनता को ठगने का काम किया गया है। जिसमें हमारे महानगर के अध्यक्ष अनुपम जी ने बताया कि पार्टी के जिला अध्यक्ष राम बाबू कुशवाहा सहित हमारे रंजीत सहनी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित है और ये संवाददाता सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश के सहकारिता मंत्री आ रहे हैं। ये गृह मंत्री तो है नहीं, ये तो नाकाबिल गृह मंत्री है। ये देश के पहले नाकाबिल गृह मंत्री है कि 2023 का ये नवंबर महीना है और अब तक 2021 के बाद नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा ये जारी नहीं कर पाया। ये तो नाकाबिल गृह मंत्री, इसलिए मैं कहता हूं उनको सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री का दायित्व ये सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा बैनर पीछे, ये बैनर को जरा सा देखिएगा ध्यान से, ये बैनर भी बहुत कुछ कह रहा है। और पूर्णिया हवाई अड्डा, इनके जुमलेबाजी, झूठ, असत्य, फरेब की राजनीति का रूप ये प्रकटीकरण है और हम अनुरोध करेंगे एक वीडियो दिखाइए इन जुमलेबाजों का। एक वीडियो होगा जो कृपा कर करके जो ऑपरेटर होंगे वो दिखाए। ये मोदी है, सुन सुन वादों का पक्का है, बस सही। हमने संकल्प लिया है कि 2022 तक हर गरीब के पास अपना पक्का घर हो। हमारे छोटे किसान हो, खेत मजदूर हो, छोटे दुकानदार हो, सबको 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित पेंशन मिले, इसका इंतजाम भी हम करने वाले। सीमांत क्षेत्र की बात करता हूँ, एक पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया, लगभग लगभग 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ से सस्ते हवाई जहाज में बैठकर
दिल्ली और मुंबई जा सकते पता है। एयरपोर्ट भी जल्द ही आप सभी को नियमित सेवाएं देना शुरू कर देगा। अरे ताली बजाओ भाई, हमारी अड्डा आप लोगों के लिए बना है। और तूने तो झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ मित्रों। हेलो, मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं।